क्या आप भी इंडियन सर्वर से खेल खेल के बोर हो चुके हो? नहीं। और क्या आप भी चाहते हो अपने सर्वर को चेंज करना? हलवाई क्या? और क्या आप भी सर्वर को चेंज करके रेयर रेयर बंडल फ्री में लेना चाहते हो? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हेलो गाइस, कैसा आप लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे बढ़े रहना। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप जब अपने इंडियन सर्वर को किसी भी सर्वर में चेंज कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको सबको समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी सर्वर में कैसे अपनी आईडी को चेंज कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते और बताते कैसे आपको अपने सर्वर को चेंज करना है। तो आपको सर्वर को चेंज करने से पहले करना क्या है कि आपको एक जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको जीमेल अकाउंट बनाना आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको बता ही रहा हूं। जीमेल अकाउंट को बनाने के लिए आप प्ले स्टोर या फिर गूगल का यूज कर सकते हो। आपको क्रिएटन अकाउंट करना है। जैसे आप क्रिएटन अकाउंट करोगे आपको सामने दो ऑप्शन आएंगे, तो फिर आपको यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए अकाउंट को बना लेना है। फिर आपको यहाँ पर अपना जो भी नेम डालना है वो यहाँ पर डाल देना। फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करोगे आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पर करना क्या है कि डेट ऑफ बर्थ डाल देना, कोई भी जो आपकी मर्जी हो डाल देना, लेकिन 80+ होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करोगे आपके सामने जीमेल अकाउंट बनकर क्रिएट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर जो भी जीमेल सेलेक्ट करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लिया है। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है, तो मैं जो अपने यहाँ पर पासवर्ड को हाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड वगैरह डाल दिया था। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके यहाँ पर एग्री कर देना नीचे। एग्री करने के बाद जो आपका यहाँ पर जीमेल अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पर सर्वर चेंज करने का जो पहला स्टेप है वो डन हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि जो अपना फ्री फायर को ओपन कर लेना है। तो मैं आपको फ्री फायर ओपन करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर जो करंट अकाउंट लॉगिन है उसको आपको यहाँ पर लॉग आउट करना है। तो आप जैसे यहाँ पर लॉग इन करोगे तो आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सेटिंग में जाकर इसको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप डन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर गेम को बैक कर सकते हो। अब आपको करना क्या है कि आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पे आ जाना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है जिस भी कंट्री का आपको यहाँ पर वीपीएन चाहिए आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पर वियतनाम सर्वर का चाहिए, आप जिस भी कंट्री का चाहिए आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो मुझे यहाँ पर वियतनाम सर्वर में जाना, तो मैं यहाँ पर वीपीएन को सर्च कर लूंगा। तो यहाँ पर जो स्टार वाला वीपीएन है इसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने जो यहाँ पर वीपीएन को डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। जैसे यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ऐप यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऑटो का, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ पर ओके कर देना है। जैसे ओके करोगे आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक सर्वर कनेक्ट हो जाएगा अच्छा वाला। तो मेरा यहाँ पर सर्वर कनेक्ट हो गया और यहाँ पर आप देख सकते हो राइट का निशान आ गया। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने फ्री फायर को ओपन करना है। जैसे आपका यहाँ पर फ्री फायर ओपन हो जाए तो आपको करना क्या है कि आपको जो भी जीमेल अकाउंट बनाया उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर करना क्या है कि मोर वाले ऑप्शन आपको चले जाना है। फिर आपको यहाँ पर गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाने के बाद जो भी आपने यहाँ पर जीमेल अकाउंट क्रिएट किया उसको आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। और फिर जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करोगे आपके सामने न्यू तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप न्यू अकाउंट बनाते हो तब आता है। तो आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शन मिले आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपना नाम वगैरह यहाँ पर टाइप कर देना है। ना सब कुछ करने के बाद जो आपको यहाँ पर गेम ओपन हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर न्यू आईडी है बिल्कुल ही। तो यहाँ पर दूसरे सर्वर का ये आईडी है, तो इसमें जो चेंजेस है आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि न्यू सर्वर का आईडी है कि नहीं। तो आप यहाँ पर ये इवेंट वाला बैनर देख सकते हो, एक डायमंड का फ्री वाला जो यहाँ पर इवेंट चल रहा है, और यहाँ पर लैंग्वेज भी देख सकते हो। और भी हम आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाऊंगा कि ये दूसरे सर्वर का आईडी है फिर नहीं है। मैं आपको यहाँ पर सेटिंग में जाकर इसका कंट्री भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो ये वियतनाम सर्वर का ये आईडी है, जो मैंने आपको यहाँ पर क्रिएट करके बताया था वही सर्वर का यहाँ पर आईडी बनाया मेरा। तो मैंने जो आपको यहाँ पर ट्रिक बताया उससे आप अपने सर्वर को चेंज कर सकते हो, तो इसे करके आप भी कर सकते हो। और आप यहाँ पर इवेंट वगैरह भी देख सकते हो अपने इंडिया से पूरे अलग यहाँ पर इवेंट चल रहे होते हैं। अगर आप अपना वीपीएन को ऑफ करना चाहते हो तो आप अपने वीपीएन को ऑफ कर सकते हो या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हो। अपना सर्वर जो यहाँ पर चेंज हो गया है, अब आप इसको वीपीएन से कोई भी मतलब नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर ऑफ कर देना। तो मैंने जो यहाँ पर वीपीएन को डिसकनेक्ट कर दिया है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको। तो अपना सर्वर जो यहाँ पर चेंज हो गया है, अपनी फ्री फायर आईडी यहाँ पर बन चुकी है अपने दूसरे सर्वर की। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि वीपीएन को ऑफ करने के बाद जो अपना सर्वर जो वो चेंज हो जाएगा इंडिया में तो नहीं आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने सर्वर बनाया वही रहेगा आपका सर्वर। और जो लोग कमेंट करते हैं ना कि मेरे यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, तो आप पूरी वीडियो नहीं देखते इसलिए आपका वर्क नहीं करता। आप बिल्कुल भी समझते नहीं हो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, इसलिए आपका यहाँ पर वर्क नहीं करता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे सर्वर को चेंज करना होता है। मैंने आपको यहाँ पर 100% लाइव प्रूफ के साथ बताया कैसे आप अपने सर्वर को चेंज कर सकते हो, ऐसे करके आप कर लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि जब भी ऐसी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।